इंटरमीडिएट का स्पेलिंग लिखे INTERMIDIATE इंटरमीडिएट हो गया। अच्छा इंटरमीडिएट का स्पेलिंग बताइएगा। अरे तेरी, अरे बता दीजिए थोड़ा सा, दर्शकों को भी जानकारी दे दिया जाए। बता दो इंटरमीडिएट का इंग्लिश। अरे अंदर घुसते आर्ट्स में कौन पढ़ाई करता है? सरकार बोले कि ये चीटिंग होगा, चलिए सब कुछ होगा, नहीं हो रहा है। इंटरमीडिएट का स्पेलिंग बता दीजिए। अब क्या पूछे, आप बताइए। इंग्लिश तो हम पढ़ते नहीं है, हम क्या बताएं। हो रही है ऑनलाइन पढ़ाई से कौन सी बच्चा पढ़ेगा घर में? ऑनलाइन से कुछ नहीं पढ़ाई होता है। नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार इंडिया। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। अभी हम मौजूद है गुलजार बाग में, और गुलजार बाग के फतेह नारायण सिंह एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय कॉलेज हाई स्कूल है ये, और यहाँ पे एग्जाम चल रहे हैं 12 के। इंटरमीडिएट के एग्जाम चल रहे हैं ना? इंटरमीडिएट का। अच्छा, आज कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश। इंग्लिश है। कल कौन सा सब्जेक्ट था? हिंदी था। अच्छा, कैसा गया एग्जाम? बढ़िया गया। कल वाला? कल बहुत बढ़िया। आज के लिए क्या तैयारी की? अब देखिए, अब क्वेश्चन देखेंगे तब ना नंबर आ जाएगा। अब अच्छा, इधर भी और भी स्टूडेंट्स है, एग्जाम देने आए हैं जी। भैया कैसा तैयारी है? तैयारी ठीक है। ठीक है, पूरा ठीक। चीटिंग वीटिंग चल रहा है? नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, आगे चल के बढ़िया होगा। कितना नंबर आ जाएगा? हम लोग तो बस वहाँ से फर्स्ट ला देंगे। ला देंगे। क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कैसा गया, जैसा जाना चाहिए वैसा नहीं गया। आज इंग्लिश है ना? इंटरमीडिएट का स्पेलिंग बताइएगा। तेरी। अरे बता दीजिए थोड़ा सा, दर्शकों को भी जानकारी दे दिया जाए। बता दो इंटरमीडिएट का इंग्लिश। अरे अंदर घुसने, अंदर जा रहे हैं, इंटरमीडिएट का स्पेलिंग तक नहीं बता पाए हैं और अंदर जा रहे हैं एग्जाम देने। और भी स्टूडेंट्स से हम जानते हैं कि उनका तैयारी कैसा है। और 100 में 100 प्लस 110 आ जाएगा। हाँ, तैयारी किए हैं? था कोई कोचिंग था, किया था। कोरोना में पढ़ाई हुआ, लड़कन कौची लिखे। आप गार्जियन है? हाँ गार्जियन है। क्या सिखाए थे बताइएगा? सिखाए हैं पढ़ाने लिखाने के लिए, कोचिंग लगाए ही लगाए, कोरोना में सब बंद हो गया। पढ़ाई हुआ नहीं और एग्जाम हो रहा है। हाँ अच्छा, तो जब बच्चा की आएगा जब लिखेगा अपना मन से, अब क्या करेगा? पढ़ाई कहाँ हुआ है? सरकार बोल रही थी ऑन पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई से कौन सी बच्चा पढ़ेगा घर में? ऑनलाइन से कुछ नहीं पढ़ाई होता है ना। यहाँ पे गार्जियन थी और वो कह रही है कि कुछ हो पाए कोरोना में लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो। यहाँ पे गार्जियन उनका शिकायत है। अच्छा, और भी एग्जाम देने आए हैं? अच्छा, ऐसा तैयारी है? तैयारी तो ठीक है। बाकी सर तो चीटिंग कर ही नहीं दे रहा है। नहीं करने दे रहा है। गलत बात है। सरकार बोले कि ये चीटिंग होगा, चलिए सब कुछ होगा। नहीं हो रहा। सरकार बोली थी? हाँ, तो बोली नहीं थी कि ढिलाई मिलेगा। ढिलाई कहाँ मिल रहा है? अच्छा, ढिलाई कहाँ मिल रहा है? कल का एग्जाम में भी चार को गार्ड आया हुआ, चारों गार्ड वो एक ही क्लास में। बताइए, एक क्लास में एक गार्ड रहता है, दो गार्ड आप ही के क्लास में। हाँ, तो नहीं लिख पाए होंगे? तो नहीं लिख पाए। आज कैसे लिखेगा? आज लिखेंगे, देख रहे हैं गार्ड के वो रहता है। अच्छा, रहता है जैसा रहता है वैसा लिखे। इंटरमीडिएट का स्पेलिंग बता दीजिए। अब क्या पूछे, आप बताइए। इंग्लिश तो हम पढ़ते नहीं है, हम क्या बताएं। इंटरमीडिएट का एग्जाम देने आए हैं ना? हाँ, तो स्पेलिंग बता दीजिए। तो स्पेलिंग तो वही तो बोल रहे हैं भैया कि हम पढ़ते नहीं है, तो हम क्या बताएं। चलिए ठीक है, आप भी एग्जाम देने? हाँ जी। इंटरमीडिएट का? हाँ जी। स्पेलिंग बताइएगा। हाँ जी, हमको रुक दीजिए, जरा हीरो नहीं है। हाँ पूछिए। अब हीरो बन गए हैं, अब इमीडिएट का स्पेलिंग लिखे। INTERMIDIATE इंटरमीडिएट हो गया। अच्छा, फिर से बोलिएगा। अब बार बार हम, क्या आप टीचर हैं कि बार बार हम आपको बताते ही रहे? बताइए। अच्छा बताइए आप भी। चलिए ठीक है, लेकिन आपको बता दें स्पेलिंग आपने गलत बताया है। कैसा तैयारी, कैसा है? तैयारी तो सही है। कितना आ जाएगा? आ जाएगा। कल का सही था? हुँ? सही था कल। चोरी वोरी चल पाई? ना, चोरी नहीं हुआ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे चोरी के भरोसे आए हैं। ना ना, चोरी के भरोसे कुछ पढ़ने करेगा तो चोरी के भरोसे क्या चीज आएगा? चोरी करने से कुछ फायदा है? लॉकडाउन में पढ़ाई कर लिए थे आप? पढ़ाई कहाँ हुआ था, घर पर। आठ समय तो घर ही पर पढ़ते थे। और अच्छा, ऐसी पढ़ाई कर रहे थे? तो हाँ, ऐसे ही घर पर ही पढ़ाई किए, जितना आएगा जो आएगा। कल कैमरा है, थोड़ा सा देख लीजिए ना। कल अभी कल एग्जाम दिए थे, वही पढ़े थे तो आया था, सब मिला था तो वही दिए एग्जाम। और चलिए ठीक है, और भी स्टूडेंट्स से हम जानते हैं। अब लेकिन एक बात है, बिहार बोर्ड में है कि देखिए,
कोरोना के चलते अधिकतर लड़के नहीं पढ़ता, यही सोचता है ना कि देखिए कि अभी कोरोना के चलते हम पास हो जाएंगे, जो पढ़ता है ना वो फेल हो जाता है, अजय नहीं पढ़ता उसको पास कर दिया जाता है, यही बिहार सरकार के यही है गलती है यार। मतलब बिहार में आपका कहना है कि लंगर वो पहाड़ पर चढ़ जाता है, पैरों वाला नीचे रह जाता है। हाँ जी हाँ जी यही बात है जी, यही बात है जी, हम पढ़ाई किए हैं, ये नहीं कह रहे कि हम नहीं पढ़ाई किए हैं, तो फिर फेल कर जाइएगा। फेल कैसे कर जाएंगे, आप ही ना बोले पढ़ा लिखा फेल कर जाता है। हाँ कर जाता है, वो तो हो ही जाता है, हम देखते नहीं है बिहार की क्या स्थिति, आप जाए ना नहीं जानते है का, आप जानबे करते बिहार की क्या स्थिति है जय सब सो चोरी, अरे चोरी छोड़िए ना, चोरी हो गया कहाँ हो जाएगा, अरे अपने पढ़ाई बस काफ़ी है, इतना पढ़ लेंगे हो जाएंगे पास। अब टॉप करके क्या चीज़, टॉप कर लेंगे तो मीडिया वाला आ जाएगा पूछने लगेगा, एक सवाल होने से वो सोने अरे यार फर्स्ट आओ बस, टॉप करने से फायदा, अच्छा टॉप नहीं करो बस फर्स्ट आओ उतने में सही है, अच्छा और क्या। चलिए इनका कहना है कि अगर टॉप कर जाएंगे तो मीडिया वाले आ जाएंगे, सवाल वाल पीछेंगे, इनका माथा खराब हो जाएगा, इसीलिए फर्स्ट आ जाओ टॉप नहीं आओ। बहुत धन्यवाद।